पुतली, ये आप लिखा हुआ पुतली, ठीक है ना। पुतली का अगर डायग्राम समझे तो ये अंदर वाला, ये वाला जो भाग है ये काला वाला, ये क्या कहलाता है? पुतली कहलाती है। इसका मतलब मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई होगी कि पुतली का कार्य क्या होता है। पुतली का कार्य क्या होता है? जो परिकालिका से जो प्रकाश आ रही है, उस प्रकाश को भी वो पुतली भी क्या करती है? नियंत्रित करती है कि जितना प्रकाश की आवश्यकता है उतना ही प्रकाश देगी, बाकी के प्रकाश को रोक देगी। इसका मतलब इसके साइज में क्या होता है? यहाँ पर परिवर्तन होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है अभिनेत्र लेंस, ठीक है, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस से यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से लेंस दिखाई दे रहा है, ये क्या उत्तल लेंस की तरह दिखाई दे रहा है। और उत्तल लेंस मतलब मेरे ख्याल से पिछला चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, उसमें उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी हुआ सेम गुण इसके होते हैं, लेकिन ये क्या मांस, एक विशेष मांसपेशियों द्वारा बने होते हैं, ठीक है ना। तो जैसा हमने कांच या प्लास्टिक के लेंस की बात की थी, तो सेम वही गुण इसके भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या लेंस की तरह कार्य करता है, और इससे जो प्रकाश आपतित होगा तो ये फोकस करके यहाँ पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर अगर मान लिया जाए ये लेंस है, और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आपतित हो रही और क्या होगी, फोकस से होकर गुजरेगी, मतलब फोकस पर पहुंचेगी। तो ये जो फोकस है ना, यही इसका प्रतिबिंब होता है। जो फोकस रहेगा वही पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वस्तु यहाँ पर रखी है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है उसका लेंस का उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना है? इसको दृष्टि पटल पर बनाना, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद में हम देखेंगे पक्षमाभी पेशिया। देखिए पक्षमाभी पेशिया या सिलियरी मांसपेशिया, ये जो लेंस होता है आप देखेंगे कि लेंस डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ क्या एक सस्पेंशन बना हुआ है, देखिए इस प्रकार से सस्पेंशन बना, सस्पेंशन जाकर साकप, जो मोटरसाइकिल के साकप होते हैं ना, क्या काम करता है? जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल चलाते समय क्या होता है हमारे साथ में, कि जब गड्ढा वगैरह आ जाए या पत्थर आ जाए तो गाड़ी में क्या धक्का लगता है, तो उसको बचाने के लिए साकप लगाया जाता है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, ये पक्षमाभी पेशिया होती है, और पक्षमाभी पेशियों का काम ये होता है कि लेंस की फोकस दूरी को एक कम ज्यादा कर सकता है। कैसे कम ज्यादा कर सकता है? मान लिया जाए कि कोई प्रतिबिंब यहाँ से प्रकाश किरण आपतित हो रही है, और प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, वो वस्तु दिखाई देगी क्या? मेरे ख्याल से वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। तो आपने देखा भी होगा कि जब कोई वस्तु हमें अगर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तब क्या होता है, हमारी आंखें उसको एडजस्ट करती है। आपने देखा होगा ना कि वो बोलते हैं ना कि कोई बुक अगर बहुत छोटी राइटिंग है और हम देख नहीं पा रहे हैं तो उसको या समझ नहीं पा रहे तो हमारी आंखों पर जोर डालते हैं, है ना। कोई वस्तु दूर की ओर बहुत दूर है और वो हमें दिखाई नहीं दे रही तो हम आंखों पर जोर डालते हैं, थोड़ा सा प्रकाश को भी इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा, हम इस प्रकार से देखते हैं ना कि बहुत दूर की वस्तु है, पास की वस्तु है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आंखों को एडजस्ट करते हैं हम, और उसको फिर कुछ देर बाद पढ़ भी लेते हैं, है ना। पहले दिखाई नहीं दे रहा था, फिर थोड़ा सा आंखों को एडजस्ट करने के बाद में फिर दिखने लगता है। तो उसका किसका काम करता है वो पक्षमाभी पेशिया, जो सिलियरी मांसपेशिया है, ये क्या करती है, सस्पेंशन का यहाँ पर काम करती है। और जो जोर डालने वाली बात है वो इस लेंस को जोर डालने के लिए इसकी फोकस दूरी को कम करने का काम करता है, क्लियर। अगर मान लिया जाए प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा तो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दृष्टि पटल पर ही प्रतिबिंब को इसका बनना चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रतिबिंब इधर बाहर की ओर बनता है, ठीक है, तो उस स्थिति में भी इसको लेंस को एडजस्ट करना होता है, और एडजस्ट करके प्रतिबिंब को जगह पर लाया जाता है। थोड़ा बहुत अगर अंतर है और बहुत ज्यादा इधर दूर बन रहा है, बहुत दूरी पर इधर प्रतिबिंब बन रहा है, तो फिर इसके लिए हम चश्मे का भी उपयोग करते हैं। ये सारी बातें तो हम आगे चल के यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हम अभी लेंस पक्षमाभी के बारे में समझ चुके हैं। अब देखते हैं हम काचा द्रव्य क्या होता है। काचा द्रव, ये यहाँ पर लिखा है काचा द्रव, मतलब ये इसके अंदर होगा काचा, काचा द्रव, ठीक।
कच्चा विग्रह का मतलब ये है कि जो आंख का गोला है, ठीक है ना, आंख वाला जो गोला है ये इस प्रकार से जो दिखाई दे रहा, ये तो मैंने फ्रंट व्यू लिखा, लेकिन आंख का इस प्रकार से गोला है, तो इसमें क्या होता है कि एक द्रव भरा होता है, ठीक है ना, और ये क्या करता है कि जो प्रकाश लेंस से अपवर्तित हो रहा है, तो इसी द्रव से होते हुए दृष्टि पटल पर यह प्रकाश पड़ता है, ठीक है ना। तो कच्चा द्रव मतलब एक जेली जैसा पदार्थ होता है, द्रव लिक्विड होता है, जो कि पूरे नेत्र में ये क्या होता है, भरा होता है, और जो भी प्रकाश किरण इसके अंदर आपतित होती है और वो रेटिना तक जाती है या दृष्टि पटल तक जाती है, तो इस कच्चा द्रव से ही होते हुए वहां तक पहुंचती है। इसके अलावा नेत्रोत क्या है, नेत्रोत नेत्रोत या जिसको जलीय 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 द्रव कहा जाता है, ठीक। तो जलीय द्रव क्या होता है, ये जो लेंस के सामने और कार्निया के बीच में जो एक जैसे कि हमने वो चिपचिपा पदार्थ की बात की थी, वो क्या होता है यहाँ पर जलीय द्रव कहलाता है और वो यहाँ पर इसमें भरा होता है। तो जब प्रकाश इंटर करेगा तो जलीय द्रव से होते हुए जाएगा, उसके बाद में लेंस पर होगा, यहाँ से फिर फोकस पर मिलेगा और यहाँ पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और वो जो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा, तो यह प्रतिबिंब क्या होता है, द्रव तंत्रिका द्वारा, द्रव तंत्रिका द्वारा ये मस्तिष्क तक संदेश पहुंचता है और मस्तिष्क इस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब को क्या करता है, इसको सीधा आभास करता है, सीधा प्रतिबिंब का आभास करता है, और एक्चुअल जैसा प्रतिबिंब है, जैसी वस्तु है वैसे वस्तु का वो आभास यहाँ पर होता है मस्तिष्क को, ठीक है ना, और वो वस्तु में दिखाई देती है। कितना मजेदार हुआ काम, ठीक है ना। तो है भी बिल्कुल आसान, सिंपल है थोड़ा सा, और एक बार शॉर्ट में समझ लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, और शॉर्ट में समझेंगे तो क्योंकि एक बार हम प्रोसेस समझ चुके हैं ना, तो शॉर्ट में समझेंगे फटाफट हो जाएगा। देखना कुछ तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो कार्निया है, कार्निया क्या होता है, जो नेत्र का सबसे बाहर का भाग होता है इसको कार्निया कहा जाता है, ठीक है। और कार्निया मतलब ये बोल सकते हैं हम कि ये वाला जो पूरा का पूरा भाग कहलाएगा वो घंट का भाग क्या कहलाएगा, कार्निया कहलाएगा। परितालिका, अच्छा कार्निया कैसा होता है, पारदर्शी होता है और इसी से प्रकाश अंदर नेत्र में प्रवेश करता है। अच्छा इसके बाद में पारितालिका क्या होती है, ये जिसको आयरिस कहा जाता है, तो हम बोलेंगे कि पारितालिका जो होती है ये बाहर का भाग, देखिए ये वाला जो दिखाई दे रहा ना आपकी जो आंखों में जो काला पर दिखाई दे रहा, जो अंदर गोल गोल एक दिखाई दे रहा, तो उसके अंदर और एक काला भाग है यहाँ पर जो मैंने व्हाइट कर दिया, ये क्या उससे और डार्क ब्लैक कलर है, ये तो ब्राउन कलर होता है, ये क्या होता है ब्लैक कलर होता है। तो ये पारितारिका होती है और इसका काम क्या होता है, जो प्रकाश है, प्रकाश इसके अंदर जो प्रवेश होता है इसको कंट्रोल करता है, ये कम ज्यादा अपना साइज करता है, और जिस कमरे में हम जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, इस प्रकाश को नियंत्रित करता है। पुतली भी इसी का काम करती है, ये जो पुतली है ना यहाँ पर पारितारिका क्या करेगी, इसको कम ज्यादा करेगी और पुतली से भी जो प्रकाश जाएगा वो कम ज्यादा होती हुई जाएगा। देखना कुछ होगा या कंफ्यूज नहीं होना, ये पारितारिका है, ये वाली ये पारितारिका है, ये अपना साइज कम ज्यादा कर सकती है। देखना और ये देखिए आपको क्या हो गया, ये साइज यहाँ पर कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो यहाँ से ज्यादा प्रदर्शित करेगा प्रकाश, और पुतली का साइज क्या हो गया यहाँ पर बढ़ गया। और यदि मान लिया जाए कि इसने क्या किया, हम बहुत ज्यादा उजाले कमरे में गए तो पारितारिका का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर छेद कम रहेगा मतलब पुतली का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो प्रकाश अंदर की ओर कम प्रवेश करेगा। क्रिस्टलीय लेंस जो होता है इसका काम क्या होता है, ये क्रिस्टलीय लेंस किस प्रकार से बना होता है, उत्तल लेंस की तरह बना होता है और एक विशेष मांसपेशियों द्वारा बना होता है, ऐसा नहीं कि कांच का या प्लास्टिक का बना है, ये क्या मांसपेशियों द्वारा बना होता है और प्रकाश इस पर आपतित होने के बाद में ये अपवर्तन के पश्चात दृष्टि पटल पर यह प्रकाश पड़ता है और यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। कार्निया हो गया, पारितारिका या जिसको आयरिस बोला जाता है, पुतली हो गई। इसके बाद में नेत्रोत जल, नेत्रोत जल क्या होता है, कार्निया और पारितारिका के बीच में या पुतली के बीच में जो यहाँ पर जल भरा होता है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये वाला ये क्या होता है जल भरा होता है, जो जिसको हमने बताया कि ये क्या होता है कि ये आंख की रक्षा करता है जल, और कोई भी अगर कचरा होने जाए तो इसको क्या करता है वो
एकत्रित करके किनारे पर ले आता है और हम उसको खोज के बाहर निकाल देते, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते। अच्छा, इसके बाद में नेत्र गोलक, नेत्र गोलक मतलब ये जो गोला दिखाई दे रहा है इसी को नेत्र गोलक बोला जाता है। इसका काम क्या करता है, पूरी संरचना को यह बांधे रखता है। काचा उपद्रव, काचा उपद्रव लेंस के और दृष्टि पटल के बीच में ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, और ये विशेष प्रकार का द्रव होता है। और जेली जेली जैसा यहाँ पर द्रव होता है हम यहाँ पर बोल सकते हैं, और जो भी प्रकाश इसके अंदर अपवर्तित होता है वो इसी द्रव से होते हुए इस पर रेटिना पर पड़ता है और वहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके बाद में पक्षमाभि, पक्षमाभि पेशिया या सिलियरी मांसपेशिया जिसको बोला जाता है, ये इसका काम क्या होता है, ये सस्पेंशन की तरह काम करता है। इसके बहुत महत्वपूर्ण है जो पक्षमाभि पेशिया, ये क्या करता है, सस्पेंशन, ये लेंस लगा हुआ है बीच में, देखिए इस प्रकार से ये लेंस लगा हुआ है, पक्षमाभि पेशिया इधर से ऊपर से और नीचे से इस प्रकार से लगी है। तो ये क्या करता है, इसकी फोकस दूरी तो फिक्स है ना लेंस की, क्योंकि मांसपेशी से बनाए कांच, कांच की फोकस दूरी तो कम ज्यादा ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन एक विशेष प्रकार का लेंस है तो इसलिए क्या करता है, सस्पेंशन ऐसा दबा देगा तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, और खींच देगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी फोकस दूरी को ये क्या करता है, कम ज्यादा करने का कार्य करता है। वो उसके अनुसार अगर प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा तो उसका प्रतिबिंब इधर बनाने की कोशिश करेगा, फोकस दूरी को एडजस्ट करते हुए बाहर की ओर बनेगा तो उसकी फोकस दूरी को कम ज्यादा करके वो एग्जैक्ट दृष्टि पटल पर फोकस दूरी को कम करता है। तो जैसे अगर ज्यादा उम्र हो जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, उसकी ये पक्षमाभि जो पेशिया है ये कमजोर हो जाती है, उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, तो फिर क्या किया जाता है, उसके लिए फिर अल्टरनेट चश्मा लगाया जाता है। इस प्रकार का लगाया जाता है, आगे चल के यहाँ पर देखने वाले। इसके बाद में रक्त तंत्रिका, ये क्या करता है, यहाँ से जो जो ये क्या रहेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और ऊर्जा प्रतिबिंब बनेगा, और ये प्रतिबिंब को क्या करता है, ये रक्त तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क तक क्या करता है, उसका सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब का आभास करता है। जैसे जैसी स्थिति है वैसी एग्जैक्ट मस्तिष्क द्वारा आभास होता है, वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमें इसके बारे में समझना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कि इसमें दोष क्या होते हैं। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि चश्मा लगाए हुए रहते हैं, और चश्मा क्यों लगाते हैं, वही कोई बोलता है कि हमें पास की वस्तु नहीं दिख रही, कोई बोलता दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, कोई बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना तो दूर की वस्तु दिखाई दे रही है ना पास की वस्तु, सब धुंधला थी, ठीक है। तो वो चश्मा फिर उसके हिसाब से किस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है उसके बारे में